Hey, what's up, guys? क्या हाल चाल है? होप सो लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक्साइटिंग सीरीज के अंदर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं भाई सोलो रैंक पुश। एंड अभी के टाइम पे हमारे गेम के अंदर चल रहा है बीआर का सीजन 37। एंड इसी सीजन का आप लोग देख रहे हो भाई पांचवा एपिसोड। गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारा स्कोर जो कि अभी के टाइम पे चल रहा है भाई, मतलब 1174 बंदों के अंदर हम लास्ट टाइम पे थे। अभी के टाइम पे तो नहीं चल रहा क्योंकि भाई मैंने गेम को बहुत ही कम खेलना शुरू कर दिया। एंड गाइस, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि भाई मैं ना मतलब रात भर ना मतलब गेम खेलता था पहले के टाइम पे, लेकिन अभी के टाइम पे मैं ना रात को गेम नहीं खेलने वाला। दिन में जितना खेल पा करूंगा उतना ही खेलूंगा भाई। मैंने रूटीन पूरा उल्टा कर रखा था। मैं रात को जागता था एंड दिन में मतलब सोता था। लेकिन यार इससे क्या हो सकता है ना भाई, आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मतलब हेल्थ इशू हो सकती है। आप लोग समझ रहे होगे भाई, मतलब इतना ज़्यादा गेम खेलता हूँ एंड वीडियो वगैरह में टाइम लगाता हूँ, तो यार इन सब चीज़ों से मतलब हेल्थ इशू हो सकती है। तो भाई एंड भाई मतलब वीडियो वगैरह तो बनती रहेंगी, लेकिन आपको पता होगा भाई सबसे पहले तो अपनी हेल्थ ही आती है। तो यानी कि भाई मेरे को हेल्थ पे मतलब ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एंड वैसे ही भाई मैं मतलब कि अब ज़्यादा रैंक पुश नहीं करने वाला। एंड भाई फिर भी मैंने आप लोगों से इसलिए पूछ लिया क्योंकि भाई आप लोगों के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ एंड आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ एंड आप लोगों के लिए रैंक पुश करता हूँ। वरना रैंक पुश से ना तो मेरे को कुछ मिल रहा एंड ना ही मतलब एंड यहीं पर आपके बिना भाई वीडियो बनाने का मेरा कोई फायदा नहीं। यानी कि आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग के लिए सब कुछ कर रहा हूं एंड आप लोग भी बहुत अच्छा प्यार देते हैं, जिसके लिए भाई बहुत ज्यादा धन्यवाद। लेकिन भाई मतलब मेरे को अपने पर भी ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो, क्योंकि यार मतलब अगर शरीर सही रहेगा तो भाई मतलब सब कुछ सेट रहेगा, वरना अगर मान लो शरीर सही नहीं रहेगा तो फिर भाई मतलब आदमी वीडियो डालकर क्या ही कर लेगा। एंड भाई आप लोग कमेंट सेशन के अंदर जरूर से बताना कि भाई मेरे को रैंक पुश कम कर देनी चाहिए एंड हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, या फिर रैंक पुश मैं पूरी करूं तभी आप लोग मतलब मेरे पे सपोर्ट बनाए रखोगे। भाई आज की वीडियो पे लाइक करो या फिर ना करो, लेकिन भाई कमेंट सेशन के अंदर जरूर से ये जरूर बता देना यार। अब चलो हम लोग फटाफट से गेम की तरफ भी चलते हैं, वरना मैं ऐसा सब कुछ बोल बोल कर ही भाई वीडियो खत्म कर दूंगा। हमारे आज के एपिसोड का सबसे पहला गेम प्ले ये वाला होने वाला है। एंड गाइस, इस गेम प्ले में पता है क्या, ऊपर यहाँ पर मतलब बंदे कुछ लोग फाइट कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर ना मतलब ये ड्रोन वाला खरीद लिया होमर की एबिलिटी एंड इसको यूज करते हैं। जहां पर भी एनिमी होगा वहां की लोकेशन दिखा देगा। यही कहीं पे एक एनिमी था, ओके गया था, ऑल राइट। ये देखो यहाँ पर एक एनिमी सर्वाइव कर रहा है। ये मतलब बहुत अच्छी एबिलिटी है, मतलब आप लोग ना जो बंदा कैंप कर रहा है उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। एंड देखो भाई यहाँ पर कितना मतलब बंदा कैंप कर रहा है भाई जोन के बाहर। एक नेड कर लेते हैं, ओके भाई बंदा रस करने वाला है, ही फेंक देता हूँ। एंड भाई इसको डैमेज गया, ओके डैमेज गया, चलो इस पर रस करते हैं फटाफट से। एंड इसका सोन एक्टिवेट हो चुका है एंड हमने इसको मार दिया। एक काम करता हूँ भाई, मेरे पास लूट पूरी नहीं है तो इसको लूट के आता हूँ फटाफट से। एंड भाई मतलब यार मेरी गन चेंज हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर यार मैं जोन के बाहर गया ना अब लूटने, तो यार मतलब मैं एलिमिनेट भी हो सकता हूँ, तो चलो कोई बात नहीं जोन के अंदर से लूट लेंगे। एंड भाई मतलब मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया था, चलो कोई बात नहीं, हम लोग मतलब जोन के अंदर चल लेते हैं फटाफट से। ऑल राइट, हम जोन के अंदर आ गए। पहले इसको स्विच कर लेते हैं गन को, कोई शॉर्ट रेंज की गन ढूंढते हैं पहले। तो यार इतनी बढ़िया ट्रोगन चला रहा था, पता नहीं क्यों बदल गई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको मिल चुकी है थॉम्सन मिल चुकी है, चलो जो कि बहुत ही बढ़िया गन है। एंड अगर MP40 मिल जाती, चलो भाई MAC-10 मिल चुकी है। बट यार ये दोनों गन ऐसी थी ना भाई, थॉम्सन एंड MAC-10, ये दोनों कभी भी भाई डैमेज बहुत कम देने लग जाती हैं। यानी कि यहाँ पर मेरे पास MP40 या फिर बाइजन होनी चाहिए थी, जो कि मतलब बहुत ही बढ़िया बंदूक है, या फिर अगर P90 भी होती ना तो चलता। एंड यहाँ पे भाई लॉन्चर मिल रहा है। अब भाई यहाँ पर मैंने क्लू की एबिलिटी ऑन कर लिया एंड देखते हैं कोई बंदा आसपास है। ओके दो बंदे मेरे पास में दिखा रहा है एंड एक बंदा तो मेरे बिल्कुल क्लोज में ही है, इसको मारने की कोशिश करते हैं। ओके पास में आ गया एंड मैंने इसको डैमेज तो दिया एकदम से एंड बंदे ने ग्लूवल से मतलब कवर करने की कोशिश करी। बट भाई इसने मेरे को मतलब ग्लूवल से बाहर कैसे कर दिया यार, मैं जान के चुपक के गोली चला रहा था ताकि मैं भी ग्लूवल के अंदर चले जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया। ओके चलो नेड करते हैं एंड मैंने सामने ग्लूवल इसलिए लगाई है ताकि कोई पीछे से ना मार दे, वरना ग्रेनेड वाले टाइम पे भाई बहुत लोग थर्ड पार्टी करते हैं। एंड भाई उसने मतलब ग्लू मैटर फेंका, ओके ग्लूवल फूट गई भाई, वो बंदा मेरे पे रस कर रहा। ओके फिर से मैंने एकदम दिए एंड ये गन भाई कितनी खराब चल रही है। चलो कोई बात नहीं, इसका भाई सोनिया एक्टिवेट हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे एक किल भी हो चुका है, मेरे को लगा नॉकडाउन होगा, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था, ना तो दिमित्री एंड ना ही होरिजलाइन, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, वरना हमारा टाइम और वेस्ट करता। एंड इसी के साथ भाई लूट तो देखो कितनी बढ़िया ले रहा था, काश भाई ट्रोगन वगैरह और ले रहा, नहीं ट्रोगन नहीं ले रहा होता, ट्रोगन ले रहा होता तो मेरे को मार देता, वरना कोई और अच्छी गन ले रहा होता तो मजा आ जाता। बट MP40 ले रहा था जो कि बढ़िया गन है, बट बाइजन होती तो और मजा आ जाता। चलो आगे चलते हैं। अबे यार यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं। एंड भाई और बंदे हमारे को दिखा रहे हैं, मैंने फिर से एबिलिटी ऑन करी है एंड एक बंदा तो सामने दिखा रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ पर है। अबे भाई बंदा इतना गंदा सर्वाइव कर रहा है, मेरे को लगा बंदा सामने ही दिखा रहा है लेकिन सामने तो कोई भी नहीं है, लेकिन बंदा सर्वाइव। ओके भाई इसके पास ट्रोगन है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, बंदे ने ओरियन एक्टिवेट करा है। एंड भाई मेरी स्किल ब्लॉक कर दी, इसने नहीं करी लेकिन दूर से एक बंदे ने करी एंड वो उससे लड़ने गया।
यहाँ पर फायदा मेरा हो सकता है, थोड़ी देर में छुपा रहता हूँ एंड जैसे ये बंदे आपस में फाइट करेंगे मैं थर्ड पार्टी करके किल ले लूंगा एंड फिर उसके साथ हमारा बोया भी हो सकता है। ओके आपस में फाइट करने लग गए हैं एंड एक बंदा मार दिया, शिट मैं किल चोरी कर सकता था बट कोई बात नहीं, बोया लेने की कोशिश करते हैं, आखिरी बंदा बचा है। अबे यार इसने कवर कर लिया अपने को, यहाँ से ग्रेनेड उठाते हैं एंड उसमें ग्रेनेड फेंकते हैं, क्या पता भाई मर जाए। वैसे भाई वो ट्रोगन ले रहा है इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ थोड़ा, वरना क्या पता खुल के आए एंड मेरे सर पे चढ़ के मेरे को मार दे। ओके इसने ग्लोल खोली है, ग्रेनेड का डैमेज नहीं गया भाई, पहले ग्रेनेड का डैमेज गया था, पता नहीं कहाँ पर चला गया बंदा। एक काम करता हूँ भाई मैं पीछे को ही हट जाता हूँ, भाई ट्रोगन चला रहा है यार वो। अब भाई ट्रोगन के साथ मजाक नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि भाई MP40 ट्रोगन के सामने बिल्कुल बेकार चलती है। अगर मान लो मेरे पास बाइजन भी होता तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता था, लेकिन भाई ट्रोगन बंदा मतलब चिपका के मारेगा ना तो यार बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो थोड़ा दूर ही रह लेते हैं उससे, मतलब लॉन्ग रेंज की फाइट ही कर लेते हैं, इसी में हमारी भलाई है। ओके बंदा आ रहा है एंड मैंने हेडगन से डैमेज दे दिया है, यहाँ पर मतलब कि मैं उससे आगे निकल चुका हूँ। अगर मान लो मेरा नेड उस पर लग जाता है तो यहाँ पर मेरा बुया हो सकता है, देखते हैं ग्रेनेड तो गया। अबे यार सर पे तो फूटा है लेकिन डैमेज नहीं गया यार, फिर से एक और फेंकते हैं देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट ये तो ज़्यादा ही कुक कर दिया मैंने, ये तो मेरे ऊपर ही फट गया लेकिन डैमेज नहीं पड़ा किसी को भी। ओके भाई बंदा नेड करने लग गया मेरे को देख के, लेकिन उसको मैंने एडलम का दिया है जो कि मतलब मेरा फ़ायदा हो सकता है, देखते हैं। ओके बंदा रस कर रहा है एंड उसका सोनिया एक्टिवेट कर दिया मैंने एक गोली और मार के एंड ग्लोबल लगाते इमोट दिखाते हैं। ओके एंड बंदे को इमोट नहीं दिखाना क्योंकि भाई ये रिवाइव हो गया तो मार देगा, ट्रोगन ले रहा भाई वो। एंड इसी के साथ हमारा हो चुका है पहला बुया एंड इस मैच के अंदर हमारी 25 बढ़ चुकी है, आप लोग कोने से देख सकते हो एंड मैं बैक करके आपको एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। ऑल राइट यहाँ पर हमारी बढ़ चुकी है पूरी 25 एंड गाइस ये वाला गेम प्ले हमारे इस एपिसोड का लास्ट गेम प्ले होने वाला है एंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं बहुत ही कम गेम खेल रहा हूँ एंड भाई देखो मैं इस गेम के अंदर बहुत गंदे वाला सर्वाइव कर रहा है, मेरे 0 किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे 0 किल होते भाई, मेरे 3 किल मतलब लिटरली पीछे चोरी हो चुके हैं, लेकिन मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। एंड मैं जोन के अंदर जा रहा हूँ, गाड़ी ले लिया मैंने क्योंकि पास में बंदे है एंड जो मतलब मेरा किल चोर था शायद से ये वही है या फिर पता नहीं, लेकिन वो बंदा मतलब पीक से यहीं पे आया है, अब मेरे को उससे भी ढूंढ रहा हूँ लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे मैं यहाँ पे उतरता हूँ एंड थोड़ा ड्रॉप भी लूट लेंगे एंड इस बंदे को ही मार देंगे। ओके एंड इसको हेडशॉट मारा है, ओके भाई इसको हमने मार दिया एंड इसी के साथ हमारा पहला किल तो हो चुका है जो कि अच्छी बात है। एंड इसी के साथ हम लोग ड्रॉप को भी लूट लेते हैं ताकि भाई थोड़ी बहुत लूट भी हो जाए, क्योंकि हमारी लूट भाई बिल्कुल 0 है। तो देखो भाई मेडिकेट मेरे पास खाली एक ही है एंड ऑल राइट यहाँ पे 2 मेडिकेट और मिल चुकी है एंड हमारे पास भाई टोकन बहुत हैं, तो हम लोग आगे चल के टोकन से चीज़ें खरीद लेंगे। चलो मैंने भाई गाड़ी ले ली फिर से, हम लोग जोन के अंदर चलते हैं। भाई इतनी मुश्किल से जोन में आया एंड फिर से जोन आ गया। ओके एक बंदा है, ओके ठोका मैंने, अबे टोकन हाथ में दी शीट यार, मेरे को लगा M4A1 मार रहा हूँ, अबे यार इसको पटक जाता है कई बार। ओके उसको फिर से ठोकते हैं, क्रोनो से नहीं बच पाएगा भाई तू। ऑल राइट इसको मैंने फिर से ठोक दिया एंड इसी के साथ इसका सोनी एक्टिवेट करके हमने इसको मार दिया एंड हम लोग चलते हैं फटाफट से जोन के अंदर। लूट नहीं सकते क्योंकि भाई अगर मैं लूटने बैठा ना तो क्या पता कोई और मेरे को मार दे थर्ड पार्टी से, एंड आप लोग जोन को भी तो समझ ही सकते हो भाई जोन कितना खतरनाक होता है आज के टाइम पे गेम के अंदर। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से जोन के अंदर। ओके ये जो ग्लू वाला आप लोग देख सकते हो ना, ये वाला ग्लू वाला ही बंदा मेरा किल चोर है एंड शायद से वो मर चुका है, पीछे उसकी पेटी थी शायद से, मेरे को लग रहा है वो मर चुका है बट देखते क्या होता है। वैसे भाई मेरे को लग नहीं रहा हूँ। ओके ये रहा बंदा सर्वाइव कर रहा है, इसको भी मारेंगे, यही है भाई किल चोर, अभी इसको मारेंगे, इससे भाई बदला लेना है ऐसी थोड़ी। कहाँ पर इसका हेड तो दिख नहीं रहा, एक काम करते हैं इसके पास ही चलते हैं वापस से, इसको मारना जरूरी है भाई, किल चोर है भाई ये बहुत बड़ा। ओके भाई ये तो अंदर चला गया, बड़ा तेज बंदा है भाई साहब, मतलब कि यार बड़ा तेज बंदा। ऑल राइट भाई उसने भाई मेरी गाड़ी फोड़ दी और डैमेज भी दे दिया, एक काम करता हूँ मेडिकेट भरता हूँ। ओके मैं कूद गया, इससे फाइट करने कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर मेरे पास थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो एक काम करता हूँ पहले पूरा कवर करता हूँ एंड हील करके मैं ना पीछे करेट पड़ी हुई है उसे लूटने की कोशिश करता हूँ, अगर वहाँ तक पहुँच पाया तो। एंड मेरे को लगता है ना वो बंदा किसी और से फाइट कर रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास चांस है बचने का, पहले एक बार ड्रोन यूज़ कर लेता हूँ, क्या पता पीछे कोई और बंदा भी हो सर्वाइव कर रहा हो। ओके भाई इधर तो कोई भी बंदा नहीं है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे लेटता हूँ एंड सीधा भाई पूरी लूट अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ। भाई दो दो होर्जलाइन दे रहे हैं, कभी कभार तो एक भी नहीं देते भाई, अभी के टाइम पे देखो यहाँ पर 3 होर्जलाइन तो ऐसे ही पड़े हैं एंड एक और भाई एक और होर्जलाइन, भाई कितने होर्जलाइन हो गए, पूरी लॉबी को मैं होर्जलाइन बांट सकता हूँ, मतलब बेच सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, मार्केट खोल सकता हूँ। ओके भाई लेवल 4 की वेस्ट भी मिल चुकी है एंड मतलब बहुत अच्छी लूट हो चुकी है अभी के टाइम पे भाई, इतना मजा आ गया। ओके एक बंदा आ चुका है यार, यहाँ पर एक आफत कम थी कि जोन आ गया एंड एक बंदा और आ गया यार, ये गलत चीज़ है, चलो कोई बात नहीं शायद से ये कोई और है। ओके ये किल चोर नहीं है, ये तो कोई और है, बट इसे मारने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं फिर क्या होता है। भाई टीम अप क्यों कर रहा है, मैं गेम के अंदर टीम अप नहीं करता यार, ये गलत चीज़ है भाई, टीम अप क्यों करते हो गेम के अंदर जब खुद मरने वाले होते हो एंड फिर जब जीतने वाले होते हैं तो भाई ये मारते हैं वही लोग होते हैं ये लोग,
मतलब टीम अप कर लेंगे एंड फिर आगे चल के धोखा दे देते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने एक बंदे पे विश्वास करके देखा था। चलो भाई इसको मारते हैं पहले तो। अबे भाई कवर कर लिया इसने। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एक टाइम पे मैंने एक बंदे पे विश्वास करके देखा था एंड उस बंदे ने मेरे को धोखा दे दिया था। तो भाई ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा। अब तो मैं कभी भी किसी के साथ टीम अप भी नहीं करूंगा बेशक से। ऑल राइट, ये बंदा तो मेरा किल आ चुका है। इतना बढ़िया परफेक्ट नेट फेंका था, मतलब नेट में बहुत बेकार फेंकता हूँ लेकिन आज मतलब सही फेंक दिया, चलो जो कि अच्छी बात है। ओके एक बंदा ऊपर है, एक बंदा नहीं ऊपर भाई दो बंदे हैं एंड ये आपस में फाइट कर रहे हैं। ऑल राइट बंदे के ऊपर नेट फेंकते हैं, परफेक्ट फेंका। ओके डैमेज आ चुका है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट फेंका था लेकिन नेट खत्म हो गए, वरना क्या पता भाई मैं नेट से किल निकाल लेता। चलो भाई यहाँ पर ग्लू मेल्टर फेंका। ओके ये बंदा नीचे आने वाला। ऑल राइट एंड भाई वो मतलब M10 यूज कर रहा था, जान के मैं पीछे को हटता रहा एंड ट्रोगन भाई मीडियम रेंज में बहुत तगड़ा काम करती है। मैंने उसको मार दिया और भाई एक बंदा नीचे कूद गया। मैं यही सोचू आवाज आ रही थी, अबे भाई क्या कर रहा है। ओके भाई मेरी हेल्थ गई, मैं लगता है गया लेकिन नहीं भाई, हार नहीं मान सकते। मैं जोन के अंदर चलता हूँ फटाफट से, पहले अब सुपर मेडिकेट लेता हूँ एक। यार ये बंदा बड़ा हरामी है भाई, क्या कर रहा है। अबे भाई ग्लूवल से क्यों फंसा रहा है भाई यार। अबे यार ये क्या कर दिया इस बंदे ने। चलो अपनी ग्लूवल फोड़ता हूँ यार, मतलब बढ़िया ही खेल रहा है यार, मतलब कुछ अलग ही खेल रहा है ये बंदा। अभी रुको पहले यार, आगे चलता हूँ जोन के अंदर, सुपर मेडिकेट भरता हूँ ताकि भाई मेरी जोन से कटे तो वापस से मतलब मेरी हील हो जाए। ऑल राइट एंड देखो भाई मैं ये कह रहा था मेरी हेल्थ फुल हो चुकी है, अब इस पर भाई रस करते हैं। अब ये फंस चुका है भाई, इसकी हेल्थ भी कम थी शायद से एंड एक बंदे ने इसको डैमेज दे दिया, चलो जो कि अच्छी बात है। एंड होमर भी मार रखा था इस पे, जो कि हमारे ना मतलब फायदा डबल हो गया। एंड अब जिस बंदे ने इसको मारा उसको देखते हैं। ओके वो रहा बंदा जिसका मैंने किल चोरी करा है, अब इसको ही मारने की कोशिश करते हैं, वैसे देखते हैं भाई क्या होता है। ऑल राइट ग्लू मेल्टर फेंकते हैं, एक ग्लू मेल्टर दो ग्लू मेल्टर, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो नारिया कैरेक्टर यूज़ कर रहा है। एंड भाई ग्रेनेड फेंक रहा है, ये बहुत अच्छा मतलब टाइम है रस करने के लिए, तो रस करके देखते हैं। ओके भाई लॉन्चर आ गया था गलती साथ में। ऑल राइट यहाँ पर मैंने उसको हेडशॉट मार दिया भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से, भाई अभी मरते मरते बचा हूँ भाई, मेरे हाथ में गलती से लॉन्चर आ गया था। ओके एंड अब आखिरी बंदा बचा है, एक काम करता हूँ पहले तो उसे लूट लेता हूँ। ओके वेस्ट अपग्रेडर भी मिल चुके हैं एंड लेवल 4 की वेस्ट थोड़ी मतलब अच्छी थी मेरे वाली से, तो जो कि अच्छा रहा मेरे लिए। आप सामने वाला बंदा ये रहा एंड ये ग्रेनेड फेंक रहा है, तो एक काम करते हैं पोर्टल यूज़ करके इसे पीछे चलते हैं। ठीक है एक काम करते हैं, रुको एक मिनट पहले रिलोड करता हूँ सब कुछ। ऑल राइट अब चलते हैं एंड ये बंदा सोच रहा होगा मेरे पीछे खास आ गया एंड इसको हमने बहुत ही आसानी से मार दिया बिना डैमेज खाए। और यहीं पे हो चुका है हमारा बुइया एंड इसी बुइया के अंदर हमारी बढ़ चुकी है 28। एंड गाइस मैं आपको अपना स्कोर दिखा देता हूँ लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इतनी सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ एंड आप लोग भी भाई थोड़ा बहुत तो प्यार दे ही सकते हो, तो प्लीज हाँ यार कर देना, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। यहीं पे आप लोग देख सकते हो मेरी रैंक कितनी हो चुकी है, यहीं पे भाई मैं 1300 लोगों के अंदर आ चुका हूँ। एंड विन की बात करूँ ना भाई तो विन में मैं बहुत पीछे पहुंच चुका हूँ, रीजन के अंदर 59 बंदों के अंदर आ चुका हूँ एक टाइम पे। कहाँ पे भाई मैं मतलब टॉप 20 के अंदर था लेकिन अब 59 बंदों के अंदर आ चुका हूँ, बट कोई बात नहीं क्योंकि भाई मैं बहुत ही कम गेम खेल रहा हूँ। खैर वो सब छोड़ो एंड गाइज आप लोग मेरी रैंक वगैरह सब देख ली होगी एंड उसी के साथ दैट्स इट गाइज आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।